नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीत चुका है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। लेकिन जो कारनामा योगी सरकार पहले किया करते थे, वो कारनामा एक बार फिर से भूमाफिया बाहुबली नेताओं पर शुरू हो चुका है। जी हाँ, बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा 5 वर्षों के कार्यकाल में योगी सरकार में मुख्तार अंसारी की हो रही थी। मुख्तार अंसारी को जबरदस्त तरीके के अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला, तो वहीं उनके जो अवैध निर्माण हैं और उनके जो गुर्गे हैं उस पर जबरदस्त तरीके की कार्रवाई योगी सरकार के द्वारा किया गया। और इस कड़ी में जब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लिए हैं, तो भूमाफियाओं पर एक बार फिर से उनका बुलडोजर और शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आपको पता होगा कि शत्रु संपत्ति अपनाकर अवैध निर्माण किए हुए थे मुख्तार अंसारी, और वो संपत्ति उनके बेटे के नाम पर थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराए जाने के क्रम में जो है वो जेल में बंद है, और वो फिलहाल बांदा जेल में बंद है। और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के MP MLA कोर्ट में भर्ती कराया गया था, और वहां पर सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को जो है वो लखनऊ ले जाया जा रहा था। लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से जो सुरक्षा घेरा था, उसमें कहीं ना कहीं एक नजर चीजें आई, और वो थी कि उनके जो जो बहन होती है वो कहीं ना कहीं रुक गई, बंद हो गई अचानक से, और उसको लेकर इनके फैमिली में और इनके परिवार वालों में जो है वो काफी ज्यादा बौखलाहट नजर आया। और उनके बेटे और विधायक जो बेटे सांसद जो उनके भाई हैं, उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन अचानक से सुरक्षा घेरों के बीच में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ जेल में, हालांकि कई लोग कह रहे थे कि शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां पर MP MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी की जा रही थी, जहां पर सुरक्षा में काफी बड़ी चूक जो है वो कहीं ना कहीं नजर आई। और जिस तरीके से योगी सरकार के ठोक दो की नीति लगातार उत्तर प्रदेश में लागू होती नजर आती है, तो इसको लेकर उनके परिजनों में एक सदमा भी नजर आता है। और जैसे ही सरकार बनी है, एक बार फिर से भूमाफिया बाहुबली और उनके गुर्गों पर योगी सरकार की जबरदस्त कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन बाहुबली नेताओं की किस तरीके की मुश्किल पड़ती है, यह बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।